रहेगा बेटा, टॉप रैंकर इज्जत से आ। कौन सा वो प्लेयर होने वाला है एक हाथ प्लेयर यहाँ पे डाउन कर सकता है और चलिए ओ ओ ओ निकलने की कोशिश यहाँ पे, ठीक है। वो जैसे ही व्हीकल्स की आवाज अपने कानों तक पहुंचा है ना, वैसे उनको पता चल चुका था कि यहाँ पे किसी ना किसी टीम का स्लैम आ सकता है। और यहाँ जब से नोटिस करोगे ना तो टीम असला की फाइट स्कॉटलैंड के प्लेयर्स के साथ हो रही है और एक एक करके इनके प्लेयर्स को डाउन किया जा रहा है एंड फिनिश ऑफ कंफर्म किया जा रहा है। जीएस एक आखिरी एंड लास्ट उम्मीद बचे हैं। राइट साइड से गॉट लाइक इनको भी फिनिश ऑफ करने वाली है। दो टीम्स के बीच में सैंडविच की सिचुएशन इनके लिए बन चुकी है क्योंकि राइट साइड में धर्मपाल यहाँ पे पहुंच चुका और जैसे ही एक नॉक निकालेंगे लेकिन इससे पहले जीएस ने सिंप को डाउन कर दिया। चलिए दूसरी ओर से फाइट्स वहां पे शुरू। टीम नंबर 19 के एक आखिरी एंड लास्ट उम्मीद, वो टीम गॉट लाइक के प्लेयर्स को डाउन करेंगे, फिनिश ऑफ कंफर्म करेंगे और सिंप के डाउन होने के बाद अब सिंप डाउन हुए तो मे बी यहाँ पे एलिमिनेशन देखने को मिल सकता है। और आशुतोष ने वो ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, टीम 19 के जीएस को एलिमिनेशन की राह पे भेज दिया, एलिमिनेट किया उस पूरी की पूरी टीम को। और अब धर्मपाल कंप्लीटली पूरी की पूरी निष्ठा के साथ अपने धर्म का पालन करने के लिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं और अपनी टीम के लिए कुछ फिनिशेस निकालना चाहते हैं। अब जो धर्मपाल यहाँ पे बैठे हैं, बाकी के दूसरे प्लेयर को देख लीजिए, जो आशुतोष है वो पीछे आ चुके हैं एंड दो तरफ से यहाँ पे सैंडविच हो। ओ, 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 और कुनाल को देख लीजिए, वो आशुतोष को डाउन कर सकते हैं लेकिन जोनाथन ने वहां पे संचित को गिराया घुटनों पे और कुनाल तो अभी दूर है, इनके लिए कुछ कह पाना जरूरी नहीं है। लेकिन मुदित अब एक छोटा सा ऑब्स्टेकल है, छोटा सा पत्थर है जिसे कवर बनाने की कोशिश करेंगे एंड जोनाथन तो डाउन कर रहा है, फिनिश ऑफ कंफर्म कर रहा है, डाउन कर रहा है, फिनिश ऑफ कंफर्म कर रहा है। मुदित चलिए 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 फर्स्ट एड्स का इस्तेमाल किया, ग्रेनेड्स यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा और डैमेज दिखाई दे सकते हैं। ऊपर जोनाथन एक 1v1 की फाइट्स यहाँ पे जस्ट फ्रंट में इनके साथ हमें देखने को मिल सकती है। आशुतोष उनके पीछे हैं लेकिन उनसे पहले मुझे लगता है कि जोनाथन ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और वो गन हाथों में लेने के बजाय वो मॉली लेते हुए दिखाई दे रहे। और भाई क्या है ये प्लेयर कुछ नहीं कर सकता भाई, पीछे धर्मपाल है आगे जोनाथन है, कहां ही जाएगा। एंड वापस से जोनाथन ने एक नॉक एंड फिनिश ऑफ अपने खाते में दर्ज कर लिया और हर जगह हर दिशा में टीम्स बैठी हुई है। और ये देख लीजिए ओरैंगुटान के आतंकी वहां पे एक प्लेयर को डाउन करेंगे, एलिमिनेशन वहां पे कंफर्म कर सकते हैं और बैठे हुए जरूर है। चलिए एक 1v4 की फाइट यहाँ पे लेनी पड़ेगी। आरू सबसे पहले सामने, धर्मपाल ने गिराया घुटनों पे, आरू को नील डाउन किया, एलिमिनेशन भी शायद कंफर्म किए जा सकते हैं। जोनाथन दूसरी और राजपाल यादव की तरफ से डाउन किए जा चुके हैं ओरैंगुटान के। और अब टीम गॉट लाइक के पास सिर्फ दो मात्र प्लेयर में से सिर्फ एक अकेला और आखिरी उम्मीद धर्मपाल बचा हुआ है और एक 1v2 की फाइट से दोनों टीम्स के बीच में होने वाले क्योंकि टीम और ओरैंगुटान के दो प्लेयर्स डाउन है। राजपाल डेस्ट्रो दोनों के दोनों सामने दिखाई दे रहे, ग्रेनेड्स यहाँ पे डाले जाएंगे। चलिए पहला नॉक निकाला, प्रिजन बनने वाला है ग्रेवेट। सीरियसली आप देखो वीआरवी वर्सेस गॉटलाइक के बीच में फाइट से यहाँ पे शुरू, संतरा भाई से एक नॉक की उम्मीद की जाएगी। डैमेज वीआरवी फ्लैक्स की तरफ को डाउन किए गए आशुतोष की तरफ से एंड डैमेज देने की वजह से वो बहुत ज्यादा गिर चुके थे, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे डाउन ही थे। एंड नॉक निकालने के बाद एलिमिनेशन वहां पे कन्फर्म, व्हीकल से कुचल के उनका नॉक निकला एंड व्हीकल से ही कुचल के उनका एलिमिनेशन भी कन्फर्म किया जा चुका। अनफ वीआरवी के पास सिर्फ तीन मात्र प्लेयर अलाइव। जब आप थर्ड पार्टी करते हो तो थर्ड पार्टी के लिए तयार भी रहा करो। संतरा ने एक और नॉक निकाल दिया, साइको को देख लीजिए वहां पे प्लेयर बैठे हुए जरूर है। मैं संतरा को ही देखना चाहता हूँ, क्या संतरा ही सिंप है और क्या सिंप ही वो संतरा है। साइको भी संतरा की तरफ से डाउन किया गया और ये पूरी की पूरी तरीके से एक एक चुन चुन के प्लेयर्स को फिर से, वो कौन जीतने वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इनके पास सेल्फ रिवाइव था बट उसका इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे और 22 लाख का प्लेयर मुझे लगता है इंतजार कर रहे हैं नदन के लिए। लग तो ऐसे रहा है कि वो 4M की जो टीम है जिसके मेडल पैराडॉक्स में दिखाई दे रहे हैं उनको डैमेज दे सकते हैं। जैसे डैमेज हुआ थोड़ा सा अकेला एंड गॉटलाइक के बीच में काफी लंबा स्प्लिट हमें देखने को मिल रहा है। आशुतोष को अगर आप देखोगे वो राइट साइड में चर्च के एरियाज के पास दिखाई दे रहे हैं। संतरा रख क्या भाई, अब तो चाकू का काम कर रहे हो, एक एक प्लेयर को डाउन करो। और ये देख लीजिए पैराडॉक्स को भी संतरा ने डाउन कर दिया, ग्रेनेड वो पुल कर चुके हैं, शायद वो ग्रेनेड से भी कनेक्शन बना ले। कोई नहीं टू स्पैम करेगा, कोई टू स्पैम नहीं करेगा, ये प्लेयर है कुछ ना कुछ अपने साथ कमाल करके आ रहा है। लेकिन अब संतरा डॉट एच पी हो चुके थे, साहिल का वो ग्रेनेडिंग को डाउन कर चुका है और अब जोनाथन एंड धर्मपाल एंड आशुतोष के ऊपर जिम्मेदारियां की भाई वो जिम्मेदारियां निभाई, हमने अपना काम कर दिया, हमने दो प्लेयर्स को डाउन कर दिया। एंड अब धर्मपाल का वो ग्रेनेड KYZ को डाउन करेगा वहां पे, ऐसे कुछ नाम है। एंड साहिल वो आखिरी वो लास्ट प्लेयर, चलिए धर्मपाल की तरफ से उनको कुछ चल के फिनिश ऑफ करके इस मैच से बाहर भेजा जाएगा। एंड गॉट लाइक 7 फिनिशेस निकाल के अपने चारों प्लेयर्स के साथ बैठी हुई जरूर है। लेकिन ये थर्ड पार्टी कहां से हो गया, ओपे की टीम कहां से आ गई, आपको डाउन दिखाई दे रहे हैं। कशिश वहां पे डाउन है, शायद एलिमिनेशन कंफर्म किया जाए, उससे पहले रिवाइवल मिल चुका है लेकिन अवनेश बाकी थे, अब सिर्फ अवशेष उनके इस मैच में रह जाएंगे। एंड अब तीनों प्लेयर्स के साथ ये टीम जोन के अंदर जाने की कोशिश करेगी लेकिन आज संतरा
किसी का नाम संतरा, किसी का नाम जूसी, और पीआरवी के आखिरी एंड लास्ट उम्मीद जो ड्रैक्स ही बचे हुए थे, जो प्रिजन की तरफ से निकल के जैसे तैसे करके जोन के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, पॉइंट्स निकालने की कोशिश कर रहे थे, उनका भी एलिमिनेशन स्कॉटलाइट की तरफ से किया जा चुका। और अब टीम तेज यहाँ पे सामने, टीम आर्कस होल और वैसे सोन है, उनके पास कुछ टेंशन की बात नहीं है, लेकिन वहीं पे अगर आप नोटिस करोगे स्लग की टीम के पास ये नहीं है, और एक भी प्लेयर अगर इनके डाउन हो रहे, प्लेयर्स अगर फिनिश ऑफ हो रहे तो फाइट बैक तो अच्छी कर पाए, कम बैक तो अच्छी कर पाए, लेकिन कुनाल का एलिमिनेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा खलेगा जरूर। और जो टीम गॉडल लोल्स यहाँ पे इस तरफ देख लीजिए, जोन के बाहर गॉड लाइक वर्सेस स्लग की टीम की फाइट यहाँ पे शुरू। नाम सोच रहा हूँ, नाम सोच एक आखिरी प्लेयर की भी आशुतोष का भी नौक हमें देखने को मिल चुका, और एक 1v1 की फाइट्स।